हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किस तरह से अपना रजिस्टर्ड लोड चलाएं और बिजली का बिल हमारा कम हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर रजिस्टर्ड लोड चलाने पर बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, और बताते हैं आपको कैसे करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक मीटर रखा हुआ है, ये एक सब मीटर है, तो इसके एक डेमो के लिए रखा हुआ है। इसकी सहायता से आपको बताएंगे हमें क्या करना होगा। देखिए, इसमें हमने दो वायर दे रखे हैं, ये न्यूट्रल और फेस इसमें दे रखा है, जो कि हैडल से आता है इनपुट कनेक्शन। हमें इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात का, छेड़खानी अगर इसमें करते हैं तो गलत है। और इधर से जो ये आउटपुट वायर निकले हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी घर के लिए, तो इस पर हम कुछ कर सकते हैं, और वो भी हमें यहाँ पर नहीं करना है, वो भी हमें जो लोड चलाना है लोड के ऊपर करना है। ये मीटर तो आपको केवल डेमो के लिए दे रखा है, तो फिर करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोड का वायर इसमें कनेक्ट करके, ये देखिए, ये एक बल्ब के वायर हैं, इसमें अगर हम कनेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसे ऑन करता हूँ, ये देखिए, ये बल्ब हमारा जल गया और ये मीटर ने रीडिंग करना शुरू कर दिया इसे। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि हम ये जो दो वायर जा रहे हैं, कोई भी एक वायर काट लेंगे बीच में से, और उसके बीच में हम एक डायोड लगा देंगे। छोटा सा डायोड होता है, बहुत सस्ता मिलता है बाजार में, तो हम ये लगा सकते हैं। हम इन दोनों के पे ऐसे टच नहीं करेंगे ताकि न्यूट्रल और फेस दोनों जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें सीरीज में लगाना है ऐसे, कोई भी एक वायर काट के, उससे ये मीटर थोड़ा स्लो हो जाएगा और फिर पूरा लोड शो नहीं करेगा। तो आपको दिखाते हैं कैसे। फिर सबसे पहले हम मेन लाइन ऑफ कर लेंगे, यानी आपके घर में कोई कटआउट वगैरह लगा हुआ हो या फिर कोई MCB लगी हो, उसे गिरा दीजिए ताकि करंट का चांस ना रहे, करंट ना लगे। सावधानी से काम करना है, बिजली का काम है। ये देखिए, हम इसके बीच में एक डायोड लगा लेंगे, बल्ब या फिर जो भी हमारा रजिस्टर्ड लोड है और मीटर के बीच में। ये देखिए, हमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, कोई एनोड कैथोड नहीं देखना है, लगा देना है इसे ही, अच्छे से लगा देना है। इस पर हमें टेप कर देंगे ताकि खुला ना रहे, खुला रहेगा तो करंट लगेगा। इसे हम टेप कर देंगे अच्छे से। अभी तो खैर आपको डेमो के लिए है तो फिर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करने पर मीटर आपका रीडिंग कम बताएगा, और बाकी आप जितना चाहे अपना रजिस्टर्ड लोड चला सकते हैं। इसमें आपका 30 से 40% के बीच में बिजली का बिल कम आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।